अखिलेश यादव जी ने सुल्तानपुर में एक पुलिस मुठभेड़ पर उंगली उठाई है, क्योंकि उसमें जो मारा गया बदमाश है वो यादव है, जिसने एक सर्राफ के यहाँ डकैती डाली, 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति लूटी गई, उसमें 20 किलो चांदी बरामद हो चुकी है। अखिलेश जी, आप तो अपराधियों की राजनीति करते हैं, अरे आप तो आतंकवादियों की राजनीति करते हैं, भूल गए जब 2013 में आपने 14 चार्जशीट आतंकवादियों के वापस लिए थे, जिसमें रामपुर अटैक में 2 पाकिस्तानी थे। आपके कार्यकाल में SP मुकुल द्विवेदी मारे गए, संतोष यादव थानाध्यक्ष मारे गए, और मारने वाला कौन था? राम वृक्ष यादव और उसका गैंग, जिसको आप ही के परिवार में जवाहर बाग में बसाया था। भूल गए फतेहगढ़ में इंस्पेक्टर राजकुमार मारे गए थे, एक अदने से क्रिमिनल ने मार दिया था। बरेली में फरीदपुर में मनोज मिश्रा इंस्पेक्टर मारे गए थे, गो तस्करों ने मारा था, क्योंकि उनको आपकी खुली छूट थी। जियाउल हक मारे गए प्रतापगढ़ में, तो आपके राज में तो जंगल राज था, और आप याद रखें ये जोगी राज है। जब पुलिस से मुठभेड़ होती है, बदमाश गोली चलाता है, तो पुलिस की गोली जाति बिरादरी नहीं देखती है, तो आपके राजनीति ही, आपके परिवार की राजनीति है, वो बदमाशों पर केंद्रित रही। जितने प्रदेश के साहित्य अपराधी रहे आपकी पार्टी में रहे, और यही नहीं 90 के दशक की याद दिला दूं, छविराम, महावीरा, पोथी, अनार सिंह का जब आतंक था, और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कार्रवाई शुरू कराई और एंटी डकैती एरिया में आपके बिरादरी लोग पालते रहे, जब कार्रवाई होने लगी तो आपके पिताश्री ने कहा कि ये बैकवर्ड के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उस पर राजनीति की, तो आपकी पार्टी की नीति यही रही है। आप देख रहे थे CTV इंडिया न्यूज।